चले गए अपना काम शुरू करते हैं। कलरिंग करते करते एक्चुअली मेरे दिमाग में एक आइडिया है ना, और मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। देखिए इतना हो गया है। और गुड मॉर्निंग गाइस, टाची जिले से और फेफुल नमस्ते, दिस इज योर दर्शन तमंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन व्लॉग्स। तो गाइस अभी दशहरा आ रहा है नजदीक और हम लोग ना घर में मतलब साफ सफाई चल रहा है, अभी घर का ही काम ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर टेबल आज सुबह लेके आया था, तो इसको थोड़ा सा साफ करना है। तो गाइस देखिए ये थोड़ा सा धूल मिट्टी हो गया है, तो इसको बाद में साफ करेंगे। ठीक, तो अभी घर में जो पिछली बार मैंने कलर लेके आया था ना, तो अभी भी पेंटिंग का ही कुछ काम चल रहा है गाइस। हेलो हेलो टर्जन भाई। हेलो हेलो, क्या है? चाय चाय। तो टर्जन भाई भी अपने घर में पेंटिंग कर रहा है, तो हमारे घर में पेंटिंग चल रहा है। ये देखिए, ये है दीदा, कोने में पेंटिंग कर रहा है। घर देखिए भद्रकोल किचन का हालत ऐसा है, पूरा रूम का हालत खराब हो गया है, इसको ठीक करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मम्मी जी का किचन का हालत थोड़ा सा खराब हो गया, फिर भी यहाँ पर कुकिंग चल रहा है। अब दुई दिन को बाद में तो फिर हेर्नु छ कस्तो दामी हुन्छ जला मल्ला के हो आज लथालिङे भइरहेछ। ओ डरे के बनाएको आज? ए आलु र यसको सब्जी झोल, नेपाली दाल बनाउँछु। मामा जी के घरमै हो र हैन मामा जी? मामा जी को मेरो घरमा, मामा जी को कलर हुँदैछ। दशहरा त अच्छा मनाउने हैन? हाँ, बरसात बरसात आए। हाँ, खापी के भी सिर्फ खापी के नहीं होता है ना, दशहरा में मामा जी डांस है। गाइस ये वाला कलर मैंने लेके आया था, और यहाँ पर हम लोगों ने कल हाफ लगवाया है, तो इस साइड अभी लगवाना है और इस साइड भी लगवाना है। ठीक है, तो अश्विनी अश्विनी का काम आप दुकान साफ करने का है। देखिए कितना सारा कचरा निकल लिया है, मूसा का लेयर थे ना देखिए। गाइस सब कुछ साफ सफाई हो रहा है अभी। ठीक है, अपना अपना डिपार्टमेंट, और टर्जन भाई के घर में भी पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है। नीचे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। टर्जन भाई, ओ टर्जन भाई, खोई कदा हो पेंटिंग देखा था? देखिए गाइस टर्जन भाई के घर भी भद्रगोल होके रखा है। देखिए सब निकाल देखो, ये सब निकाल के अभी यहाँ पर पेंटिंग कर, यहाँ प्राइमर लगाई है। देखिए दशहरा के लिए सब घर साफ सफाई हो रहा है अभी। ठीक है, अब खाना खा रहा करछु हो आफ्टरनून में। आफ्टरनून में ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग भन्यो। गुड मॉर्निंग। तो चलिए गाइस अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, सानुले लाको लाउनु भने यो अलिकति सफा गर्न पर्नेछ हो। के यो भित्ता लाइ यो किन लाइहाले त? होइन ट्राई गरेको हजुर। खाना नै हो मामाजी, अभी पेन्टिङ गर्नेकै बात हो जाएगा। ए खाना पनि खाइदिएको दामी दामी, लन्च टाइम हो गयो अब। कति कति बज्यो? 12 बज्यो ला। यसले चाहिँ लुकी लुकी के खायो फेरि? आम्बो मुला ये मुला मुली की अचार है ना, मुली की अचार भन, मुली की अचार भन छिटो। अरे मामा जी का डाइट है अभी है तो मामा जी? हाँ वही तो, सात में डले खुर्सानी भी लेना पड़ता है ना, देखो ना ये भी ना नहीं जाएगा है। हाँ क्या सब्जी है? स्कूस स्कूस लो हुन्छ मामा, आफै नि बाई बाई। मेगा भी यहाँ पर छिप छिप के खा रहे हैं, दो तीन प्लेट तो जाएगा इसका भी। हाय यो तो सारो पर्छ। तो गाइस एक्चुअली देखिए टाइम बहुत चला गया है, अभी एक बजने वाला है, एक बजने वाला है, तो इसीलिए तो हम थोड़े देर पेंटिंग करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। लो मामा जी ठीक है, मैं शुरू किया। ओके ओके, बाय बाय। तो चलिए गाइस अपना काम शुरू करते हैं। किन लाइहाले ट्राई गरेको
पुस्नु पर्छ। देखि गाइस हाम्रा किचन के खिड्की से ये नजारा व्यू, किचन से खिड़की से ये व्यू देख रहा है आप, इतना अच्छा देख रहा है ना। हमारा किचन का हालत ऐसा है, देखिए। अब ये शोकेस का भाड़ा भी सब साफ करना पड़ेगा, बहुत गंदा होता है ना। ओके देखिए, देखते देखते लंच टाइम भी हो गया और थोड़ा बहुत मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब इस यहाँ पर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद ये सारा निकाल के ऊपर थोड़ा सा साफ करना है, क्योंकि यहाँ पर है ना डैम्प लग गया है ठंड की वजह से, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, इसीलिए। अश्विनी खाना खा रही है, दीदा भी रेडी हो रहा है, मम्मी भी अभी, डैडी ऊपर है मतलब ऊपर वाले गाँव में, वहाँ से आ रहे हैं। पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद काम करते हैं, ठीक है। सेवा टाइम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो डैडी जी, हमारा खाना हो गया, कैसा हो रहा है कलर? एकदम बढ़िया, बढ़िया सेटिंग, सेटिंग। डैडी जी तो परा गए रे अपन। यहाँ परा काम गरेर मेरो बुढो कि अरु प्रम गए छ रे, अब दशैं भन्दा चडा कै छरी छरी मिलाएर हो डैडी जी को नि खाना परेको। मैला भएर छ। चलो गाइस अभी अपना काम पे लग जाते हैं, ठीक है। खाना वाना हो गया तो कंप्लीट कर लेते हैं अभी। तो गाइज कलरिंग करते करते एक्चुअली मेरे दिमाग में एक आइडिया है ना, मतलब ये देखिए ये पूरा एक प्लेन कलर हो गया है। यहाँ पर हम लोगों ने ब्लू और ऑरेंज, लेकिन कलर एकदम प्लेन हो गया था, मतलब विदाउट डिज़ाइन। मैंने यूट्यूब में अभी अभी एक सर्च किया, मतलब हाउ टू यू नो वॉल डिज़ाइन, और मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। ये जो ऐसा वाला नॉर्मल कपड़े होता है ना, मैंने इसको क्या किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे करके ना, मतलब नॉर्मल कपड़े को ऐसे ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद इसको फोल्ड किया और फिर पेंट में डिप करके उसको ऐसे यहाँ पर वॉल पे लगाया, ठीक है। तो उसके बाद जो डिज़ाइन निकला है ना, ऐसा वाला डिज़ाइन निकला, देखिए गाइस। और ये मुझे अच्छा लगा, मतलब देखिए अच्छा वाला डिज़ाइन, ये सूख जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। देखिए गाइस अभी ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर भी मैंने सेम वैसा वाला डिज़ाइन डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नया डिज़ाइन, तो डैडी जी को पता नहीं, तो डैडी जी को सरप्राइज मिलने वाला अभी। ऐसे तो ऐसे डिजाइन तो कभी नहीं देखा आप लोगों ने। ये मेरा खुद का ओन डिजाइन है, देखिए यूट्यूब से सर्च करके मैंने अभी नया डिजाइन लगाया है। यो तो दामी भयो अघि यताको भन्दा चाहिँ, यो चाहिँ दामी भएन। A few moments later. Okay guys, finally complete हो गया। अभी भी हाथ धो रहा था लेकिन गया नहीं रंग, अब दिखाता हूँ आप लोगों को। रंग लागे पुरा। यहाँ नि हाम्रो बॉडी पनि छ, बॉडीले मेरो कलर हेरेर छक्कै परिसके। ये देखिए गाइस, ये नया वाला डिजाइन जो मैंने बनाया है। ओ माई गॉड, कितना टैलेंटेड हूँ मैं, है ना। देखिए ऐसा डिजाइन तो कहीं नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं देखा है ऐसा डिजाइन। देखिए ये वाला प्लेन कितना गंदा दिखा है ना, बहुत अच्छा दिखा है। और यहाँ पर मैंने एक डिजाइन सोच के रखा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए, तो अभी मैं नहीं बनाऊंगा, कल बनाऊंगा इसको, ठीक है। आज की कंटेंट में मतलब ज्यादा नहीं था, ऐसे पेंटिंग करते करते टाइम चला गया, तो ये वाला वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कल भी पेंटिंग करना है, तो कल वाला डिजाइन बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोच के रखा हूँ। यहाँ पर एक टेस्ट के लिए, ट्राई के लिए किया था, और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए इसके करने के लिए, तो कल सुबह मैं जाऊँगा घूम, और घूम जाके मैं कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, देन आई कम्प्लीट दिस, ओके। तो यस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट डे में। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट डे। The next day. Hello guys, welcome to the next day. और next day भी अभी शाम हो चुका है, अभी लगभग 7:30 हो गया है, क्योंकि आज दिन भर में आज भी बहुत ज्यादा बिजी था। और guys कल वाला जो पेंटिंग है ना इनकम्प्लीट है, और आप देख सकते हैं कल वाला जो डिजाइन बनाया ये है, आप देख सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, मतलब मैंने ऐसे यूट्यूब में देख के डिजाइन देख के चेंजेस किया था, तो हमारे साथ में अर्चना, मेघा, अश्विनी, और अश्विनी थोड़ा सा बीमार पड़ गई है, अर्चना को जंडिस हुआ था, जंडिस ठीक हो गया अभी, अश्विनी थोड़ा सा फीवर पता नहीं, मेघा चकाचक है अभी, नहीं नहीं अर्चना को जंडिस हुआ था ठीक हो गया, अश्विनी को अभी फीवर चालू है, इसका अभी दांत में दर्द है, आपके आपके टूथपेस्ट पे नमक नहीं है। मम्मी चकाचक है अभी। और ठीक है गाइस, देखिए ये मेरा पूरा डिजाइन देखे ना, ये लोग बहुत ही मतलब शॉक्ड हो गए, मतलब मन ही मन में सोच रहे कि दर्शन दाई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, काश हमें भी इतना टैलेंट देता।
मैं आप लोगों के मन के भावनाओं को समझ सकता हूँ। और मम्मी जी बना रही है निंग्रो र आलु। आज चाहिँ म निंग्रो निंग्रो साउने निंग्रो भन्छ यसलाई चाहिँ। दिस इज साउने निंग्रो। साउने निंग्रो यार भाई, दिस इज साउने निंग्रो। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं दूसरा वाला डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। और मैंने आज मम्मी जी को ये मंगवाया था क्योंकि मेरे घर में ये नहीं था, तो ये वाला टेप मुझे चाहिए था। और यहाँ पर एक ट्राई के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर बनाया है। तो ओके गाइज, लेट्स डू इट। अभी शाम है लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। ऐसे टेप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला टेप लगा के तो डिज़ाइन बनेगा अभी अच्छा वाला। लेट्स चेक कैसा होता है। तो गाइज, काम करते करते बीच में आ गए रुकावट, क्योंकि जो मम्मी जी को मैंने बोला था टेप लाने के लिए, मम्मी जी ने सिर्फ एक ही पीस लेके आया था और वो एक पीस बहुत ही कम था। और यहाँ पर हो गया है मेरा मतलब टेपिंग, और दूसरे साइड में मतलब कम पड़ गया है। देखिए, सिर्फ आधा ही हो रहा था और उसमें मतलब टेप कम पड़ गया, तो इसको फिर से कल टेप लेके यहाँ पर डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम पड़ गया है और यहाँ पर हो गया है ऐसा वाला डिज़ाइन। और इसमें अभी पेंट लगाना है। तो गाइज, मम्मी जी यहाँ पर कुकिंग कर रही है, तो मैं शाम को ही मतलब काम ख़त्म करूँगा एक साइड में, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पर अभी ट्राई करेंगे मतलब कलर्स लगा के, ठीक है। ओके, यहाँ पर ब्लू, ये ब्लू कलर है, तो पहले ब्लू लगा के देखते हैं। ये वाला कलर बहुत अच्छा है गाइस, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ट्राई किया था, तो अभी देखते हैं कैसा होता है। चलिए गाइज, मैं अभी टाइम लैप्स में लगा देता हूँ और कलर मिक्स करके मैं अभी अपना काम कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी मैं कलर कॉम्बिनेशन कर रहा था, लेकिन हमारे पास सिर्फ तीन कलर है, लेकिन तीन कलर में ये जो है ना, ये तो बेस कलर है इसमें ऑरेंज वाला, और मैंने यहाँ पर जो टेप लगाया तो बॉर्डर भी ऑरेंज ही रहेगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ दो कलर ही रहा, तो ये वाला ब्लू और ये वाला कलर। तो मैंने क्या किया, ब्लू और ये कलर मिक्स करके मैंने ट्राई किया था और बहुत ही अच्छा कलर आया है, पर्पल वाला कलर। तो देखिए, अभी मैं मिक्स करके दिखाऊंगा। और मैं ये वाला कलर बहुत ही अच्छा निकला है, तो लेट्स चेक अभी कैसा दिखता है, ठीक है। तो एक जुगाड़ करके नया वाला, मतलब देखिए इस कलर को क्या कलर, पर्पल है ना ये, पर्पल हो या जो भी हो, देखिए। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा कलर है ये वाला, तो अर्को आए नहीं है। ओके गाइज, देखिए इतना हो गया है और अभी टाइम भी बहुत चला गया है, मतलब अभी शाम हो गया है और डिनर टाइम। तो यस गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरा जो डिज़ाइन है आप लोगों को कैसा लगा जस्ट बता देना। ये वाला है पिलर वाला डिज़ाइन और ये वॉल वाला डिज़ाइन, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और इसमें मतलब नेक्स्ट वॉल में भी लगाना है, तो कल इसको कम्प्लीट करूँगा, तो शायद नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यस गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। और अभी गाइज, ये मतलब फाइनल डिटेलिंग नहीं हुआ है, ये टेप निकालने के बाद इसमें अच्छा सा मतलब फिनिशिंग आ जाएगा, तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर।